वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, पोकेमॉन में हमने कई चीजें देखी हैं और में से हमें बहुत कुछ पसंद भी है, लेकिन पोकेमॉन में अगर हमें कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है पोकेमॉन के एवोल्यूशंस। और पोकेमॉन में कई तरह के एवोल्यूशंस हैं, जैसे कि मेगा एवोल्यूशन, बॉन्ड एवोल्यूशन, गिगांटमैक्स एवोल्यूशन एंड डायनामैक्स एवोल्यूशन। और इन सब में एक आता है मेगा एवोल्यूशन, जिनमें हमने सबसे अच्छे डिजाइन के पोकेमॉन को देखा है। सच में मेगा इवॉल्व होने के बाद पोकेमॉन के डिजाइन और उनके लुक्स काफी बदल जाते हैं और वो काफी कूल दिखने लगते हैं। और इसलिए गाइस, आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट मेगा एवोल्यूशंस को। और हाँ गाइस, इसमें लेजेंडरीज नहीं होंगे, क्योंकि अगर लेजेंडरीज हुए यार तो बाकी के पोकेमॉन को चांस ही नहीं मिलेगा इस लिस्ट में आने का, और पूरी लिस्ट पे लेजेंडरीज कब्जा कर लेंगे। सो इसीलिए गाइस, इस वीडियो में मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को इंक्लूड नहीं किया है। और इस लिस्ट में हम उन नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को फीचर करेंगे जिनकी पावर टाइम टू टाइम इंक्रीज होते गई है और उनकी स्पेशलिटी सबसे अलग है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाया गया है एनिमे में। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है और लाइक कर देना, लाइक हम रखते हैं 3000 लाइक्स का, और मुझे पता है गाइस कि आप लोग ये कर सकते हो। सो जितना जल्दी हो सके गाइस लाइक एम कंप्लीट कर देना। एंड हाँ गाइस, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले अपनी जगह बनाता है मेगा लुकारियो। मेगा लुकारियो एक स्टील एंड फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है जिसके बेस स्टैट ओवरऑल 625 है, और इसके बेस स्टैट में इसके दोनों ही अटैक स्टैट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मेगा लुकारियो बेसिकली एक ऑफेंसिव पोकेमॉन है और एनिमे में इसकी पावर टाइम टू टाइम इंक्रीज होती गई है। और लुकारियो के पास कई सारे पावरफुल मूव्स भी हैं, जैसे कि स्वॉर्ड्स डांस, बोन रश, मेटल साउंड, पावर अप पंच एंड ऑरा स्फीयर। और एनिमे में भी लुकारियो को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, और एक समय पे ऐसा भी दिखाया गया था जहाँ पे लुकारियो ने मेगा इवॉल्व होने के बाद खुद पे से कंट्रोल खो दिया था, और उसके बाद इसे काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो गया था। सो इसीलिए गाइस, इन्हीं सब रीजंस की वजह से यहाँ पे लुकारियो नंबर 5 पे है। तो चलिए फिर अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्लेजिकन। गाइस, ब्लेजिकन का डिजाइन ऑलरेडी काफी कूल था एंड प्लस इसकी पावर्स भी काफी ज्यादा है। ब्लेजिकन को उसके फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था, जहाँ पे उसने एक स्नीजल, एश की बेलीफ और यहाँ तक कि एश के 4000 तक को हरा दिया था। और उसके बाद गाइस, हमने ब्लेजिकन को कई बार देखा है, और मेगा स्टेट में ब्लेजिकन के बेस स्टैट इंक्रीज होकर हो जाते हैं 630, और इसके पास कई सारे पावरफुल मूव्स भी हैं, जैसे कि ब्लास्ट बर्न, ओवर हीट, फ्लेयर ब्लेड्स, ब्लेज किक, फायर पंच, ऐसे कई सारे मूव्स। और मेगा ब्लेजिकन के पास स्पीड बूस्ट एबिलिटी भी है, जिसके कारण इसकी स्पीड हर एक टर्न के बाद इंक्रीज होती गई है, और मेगा ब्लेजिकन ने ज़ायगार्ड की सीरीज के वक्त भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो है मेगा ब्लास्टोइस। मेगा ब्लास्टोइस यार काफी ज्यादा ओवर पावर्ड पोकेमॉन है, एंड प्लस इसने अलान के मेगा चार्जर्डेक्स को काफी इजिली हरा दिया था। और अगर सही से बताऊं तो अलान का मेगा चार्जर्डेक्स मेगा ब्लास्टोइस के सामने 1.5 मिनट भी नहीं टिका। मेगा स्टेट में ब्लास्टोइस के बेस स्टैट इंक्रीज होकर हो जाते हैं 630, एंड प्लस इसके पास मेगा लॉन्चर की एबिलिटी भी आ जाती है, जिसके कारण इसके पल्स, फेयर और पंप जैसे मूव्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड प्लस यहां पे मेगा ब्लास्टोइस के पास कई सारे पावरफुल मूव्स भी हैं, जैसे कि हाइड्रो पंप, हाइड्रो कैनन, ड्रैगन पल्स, ऐसे कई सारे मूव्स। और अलान के मेगा चार्जर्डेक्स को मेगा ब्लास्टोइस ने सिर्फ 3 अटैक में ही हरा दिया था, 2 ड्रैगन पल्स एंड 1 हाइड्रो पंप। तो चलिए बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ, नंबर 2 मेगा चार्जर्ड एक्स। मेगा चार्जर्ड एक्स का यार डिजाइन काफी ज्यादा हटके है, एंड प्लस इसके फ्लेम्स इसे और भी अलग बना देते हैं। एंड प्लस मेगा चार्जर्ड एक्स के बेस स्टैट यहाँ पर 634 है, जिनमें इसके दोनों अटैक स्टैट काफी इंप्रेसिव हैं। और एनीवे मेगा चार्जर्ड एक्स का विनिंग स्ट्रीक काफी अच्छा है। मेगा चार्जर्ड एक्स ने लगातार 10 मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को हराया है, और उसके बाद मेगा एब्सोल, मेगा टायरेंटर, मेगा गार्चोम, मेगा चार्जर्ड वाई और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रीनिंजा को कैलोस लीग की फाइनल्स में हरा के कैलोस लीग की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। और गाइस, मेगा चार्जर्ड एक्स के पास काफी सारे पावरफुल मूव्स भी हैं, जैसे कि ब्लास्ट बर्न, स्टील विंग, फ्लेम थ्रोअर, ड्रैगन क्लॉ एंड थंडर पंच, जिसमें से ब्लास्ट बर्न इसका सबसे पावरफुल मूव है, और उस मूव को आज तक किसी ने भी नहीं सहा, सिवाय उस पोकेमॉन के जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 स्पॉट पे। तो चलिए फिर अब नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो है मेगा मेटाग्रॉस। गाइस, मेगा मेटाग्रॉस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मेगा एवोल्यूशन है, अगर हम लेजेंडरीज के मेगा एवोल्यूशन को इंक्लूड ना करें तो। मेगा स्टेट में मेगा मेटाग्रॉस के बेस स्टैट 700 हो जाते हैं, और जिसमें इसकी फिजिकल अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मेगा मेटाग्रॉस अपनी साइकिक पावर्स को काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है, एंड प्लस एनिमे में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। मेगा मेटाग्रॉस ने मेगा चार्जर्ड एक्स का ब्लास्ट बर्न इस तरह से सह लिया जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड मेगा मेटाग्रॉस के पास कई सारे पावरफुल मूव्स हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट, साइकिक, मीटियर मैच एंड फ्लैश कैनन। एक तरह से मेगा मेटाग्रॉस डिफेंसिव भी है और ऑफेंसिव भी। और अगर इसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमने तब देखी थी जब मेगा मेटाग्रॉस ने अकेले दम पर ही लेजेंडरी कायोगर को हैंडल किया था, और वहां पे उसने लेजेंडरी कायोगर को काफी आसानी से अपने मीटियर मैश एंड फ्लैश कैनन जैसे मूव से काफी देर तक रोक कर रखा था। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मेगा मेटाग्रॉस एक ओवर पावर्ड मेगा एवोल्यूशन है, एंड प्लस मेगा मेटाग्रॉस ने अकेले दम पर ही लाइसेंडर की पूरी टीम को हरा दिया। एंड प्लस मेगा मेटाग्रॉस ने मेगा रेक्विजा से भी फाइट की है, और उस फाइट में इसने मेगा चार्जर्ड एक्स को भी सेव किया, और उसके बाद रेक्विजा की ड्रैको मीटियर्स का भी सामना किया। सो गाइस, इतने सारे रीजंस काफी हैं इस लिस्ट में मेगा मेटाग्रॉस को नंबर 1 स्पॉट पे रखने के लिए। सो गाइस, ये लिस्ट सिर्फ मेरे ओपिनियन के हिसाब से थी। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से टॉप 5 बेस्ट मेगा एवोल्यूशंस कौन से हैं, अगर हम लेजेंडरीज को इंक्लूड ना करें तो।
तो चलिए गाइस, अब वक्त है पोक्यो क्विज का। मैंने वादा किया था कि मैं काफ़ी अच्छा पोक्यो क्विज लेकर आऊँगा और इसलिए आज एक धमाकेदार पोक्यो क्विज लेकर आया हूँ। आज का पोक्यो क्विज है कि उस पोकेमोन का नाम बताइए जिसके दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जब उसके बॉडी के अंदर रहते हैं तब वो उतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसके दो से ज़्यादा ऑर्गन्स उसकी बॉडी से बाहर हो जाएँ तब वो एक काफ़ी ताकतवर पोकेमोन बन जाता है। एंड हाँ गाइस, पहले ही एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि यार ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए इसका जवाब थोड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि यार अगर जल्दबाजी में आंसर दोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। सो देखता हूँ कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर किस कमेंटेटर के पास है। सो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और गाइस अगर ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।